आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव अभनपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 30 किलोमीटर दूर बसे इस गांव की कुल वोटर संख्या 900 है। छोटे से इस गांव की कमान श्रीमती सरोज देवी ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गांव की कमान इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गांव में अच्छा विकास कराया है। ग्राम प्रधान सरोज देवी और सचिव पंकज कुमार बग्गा के सहयोग से स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। 4 वर्षों में इन्होंने किस तरह से गाँव को सजाया है और क्या समस्याएं भी बाकी है, आइए जानते हैं प्रधान प्रतिनिधि की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक कुंदरकी के अभनपुर ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं और लॉकडाउन के चलते भी किस तरह से गरीबों की मदद की गई है, इसकी पूरी जानकारी हम यहां प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान जी से। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है प्रधान जी। जैसे कि साढ़े चार साल जो है आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य अपने गाँव में करवाए हैं? जी, मैंने पिछले 4 साल में स्कूल का पूरा सुंदरीकरण, स्कूल की बाउंड्री, नीचे संतरीकरण, गांव में शौचालय और गांव में ओडीएफ हो गई ग्राम पंचायत जी, ओडीएफ हमारी ग्राम पंचायत पूरी ओडीएफ है। और ये आवास मिले हैं लोगों को? हाँ जी, आवास 7 आवास आए थे शुरू में जी, तो वो बनवा दिए गए। अभी कितने परिवार यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की आवश्यकता है? लगभग 20 से 22 परिवार हैं जिसकी हमने नाम दे रखे हैं, लिख के रखी है। सड़कें वगैरह सभी पक्की हो गई हैं? हाँ, सड़कें हमारी का नाम है ना, कच्ची कोई सड़क नहीं है, ज़्यादातर हर सड़क पर खरंजा है और एक पूरी सड़क सीसी टाइल्स मैंने कराई है। जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, तो वो आपके गाँव में सभी को मिला है इसका लाभ? जी बिल्कुल मिला है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन जितने हमारे लिस्ट में नाम थे सबको मिल चुका है। किसान निधि में जिसके नाम थे वो सबको किसान निधि मिल रही है, 2000 रुपये सरकार द्वारा आ रहे हैं। और जिनके जनधन खाते खुले थे 500 रुपये उनके भी ज़्यादातर सबके पेंशन वगैरह, हाँ जी पेंशन सबकी, विधवा पेंशन और जो 60 साल है वो, और जो नई बनने थी वो हमने नई बनवा दी है, लेकिन उनका अभी पैसा नहीं आया जी। जैसे ये कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन रहा है देश में इतना पूरी तरह से, तो आपके गाँव में कुछ परिवार ऐसे होंगे जिन्हें काफ़ी बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा खाने को लेकर, काम को लेकर, तो इसमें आपके किस तरह से लोगों को यहाँ मदद में आपकी भूमिका रही है? ज़्यादातर हमने दो सरकार द्वारा जो 2 बार राशन बटा है वो दोनों बार प्रत्येक परिवार को राशन बांटा है। किसी को अगर कोई दिक्कत है किसी भी तरह की तो उस तरह की हमने पूरी मदद करी है जी। 2 बार हमने गांव सैनिटाइज कराया है जी। और बाहर से तो ज़्यादातर हमारे गांव में लोग नहीं आए। हमने देखा ग्राम प्रधान से, हमने यहाँ बातचीत की है, बीते 4 सालों में काफ़ी विकास ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, आवास भी कुछ लोगों को यहाँ मिले हैं, लेकिन अभी भी कुछ परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की ज़रूरत है। स्कूल का काफ़ी सौंदर्यकरण यहाँ पर करवाया गया है, लॉकडाउन के चलते गरीबों की भी राशन और आर्थिक मदद के जरिए काफ़ी सहायता यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा की गई है। इसके अलावा अगर समस्याओं की तरफ नज़र करें तो कुछ समस्याएं अभी भी यहाँ बाकी हैं, जैसे कि पंचायत भवन यहाँ निर्मित नहीं है जिसका होना ज़रूरी भी है और लाभदायक भी है गाँव के लिए। इसके साथ ही एक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर यहाँ ग्राम प्रधान ने प्रमुख मांग रखी है, ओवरहेड टैंक के लिए भी ये मांग रखते हैं। अशरफ अली के साथ मनाजिन तुझे टेंपोर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील जी। कहाँ के निवासी हो? अभनपुर कुंदरकी। यहाँ पे 4.5 वर्ष हो गए हैं ग्राम प्रधान जी कार्यकाल को जी। यहाँ विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? विकास बहुत बड़ा किया है, दिक्कत नहीं है, लॉकडाउन में लोगों को बहुत समझाया है 2 फुट की दूरी पे और सब अच्छा माहौल किया है। आप सहमत हो इनके काम से? जी हाँ।